नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका एपी पटवारी या एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर कोई भी ऐसा डाउट है जो आपको लगता है कि ये समस्या सभी स्टूडेंट के साथ है, तो आपको इस वीडियो में कमेंट कर बताना है, ताकि अगर मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए और यह टॉपिक आपकी सफलता के मार्ग में बाधक है, कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो हम उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। बस आपको कमेंट करके बतलाना है, टॉपिक कुछ भी हो सकता है कि सर पटवारी के लिए पढ़ाई कैसे करना है, कम समय में हम ज़्यादा कैसे पढ़ सकते हैं, या इस सिलेबस को समझे कैसे, इसमें क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है, इसके लिए नोट्स कैसे बनाए, ऐसे तमाम जो भी टॉपिक हो सकते हैं उनके लिए आपको कमेंट करके बतलाना है। अगर मुझे लगा कि आपका जो कमेंट है वह उपयोगी है और मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे ही कमेंट हो सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस हो सकते हैं, जहां पर स्टूडेंट सफलता के मार्ग में इन क्वेश्चंस, इन प्रश्नों को बाधक मानते हैं, इन प्रश्नों को अवरोध मानते हैं, तो यकीन मानिए हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और हो सकता है कि आपके इस प्रश्न से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उन्हें विराम मिल सके। होता क्या है, मैंने अधिकांश स्टूडेंट्स को देखा कि भले ही उनकी तैयारी गलत चल रही हो, उन्हें मार्गदर्शन गलत मिल रहा हो, लेकिन वे तैयारी कंटिन्यूटी के साथ रखते हैं। मैंने कहीं पर सुना था कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूछने से हिचकिचाते हैं, लेकिन आपको ये बात नहीं रखनी है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्या होगा अगर मैं प्रश्न पूछ लूंगा तो लोग मुझे मूर्ख समझेंगे। हो सकता है 2 मिनट के लिए आपको मूर्ख समझे, लेकिन इससे आपके करियर में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। बस आपको इस प्रश्न को पूछना है कि आपके मन में क्या प्रश्न आ रहा है जो आपको लगता है कि आपके मार्ग में, आपकी सफलता के मार्ग में बाधक है। तो बस आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है कि सर मेरा ये प्रश्न है। प्रश्न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई करते करते हमें नहीं पता कि ऐसी बाधाएं सामने आती है, ऐसे प्रश्न सामने आते हैं जिन्हें हम डील नहीं कर पाते, उन्हें कैसे निपटना है, उन प्रश्नों को कैसे समझना है, और तमाम प्रश्न की सर लाइब्रेरी में पढ़े, घर पर पढ़े, कैसे पढ़ाई करें, जो भी प्रश्न है आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे वह उपयोगी लगता है, ऐसा लगता है कि सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत उपयोगी है, तो मैं उस पर वीडियो अवश्य बनाऊंगा। धन्यवाद।